सब्सक्राइब कीजिए अराइव 24 न्यूज को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2018 में शुरुआत बेहद खराब रही। उसे अपने पहले दो मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत युवा लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे का प्रदर्शन रहा, जिन्होंने पहले मैच में एमएस धोनी का विकेट लिया। धोनी को आउट करने के बाद मार्कंडे रातों रात सुपरस्टार बन गए। यही नहीं, मार्कंडे ने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ अपना प्रदर्शन अधिक सुधारा और 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इसमें शिखर धवन जैसा धाकड़ नाम शामिल रहा। मुंबई इंडियंस के युवा लेग स्पिनर की एक रोचक कहानी जानने को मिली है। वे तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। दरअसल मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें युवा गेंदबाज के माता पिता और कोच ने उनकी सफलता की कहानी बताई। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरआई 24 न्यूज, पहचान सच्चाई की। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों की अपडेट्स देते रहेंगे।